ये स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ए साउंड पढ़ा, ई साउंड पढ़ा एंड आई साउंड पढ़ा, तो ये थ्री हमारा हो गया। ये स्टूडेंट्स, सो आपको अब इसकी हो सके उतनी बार प्रैक्टिस भी करनी है, हो सके तो आप अच्छे से एक और रफ बुक में भी आप डिक्टेशन टेस्ट पेरेंट्स को बोलना 5-5 रोज के आपको दे, राइट? बिकॉज एक दो बार सिर्फ डिक्टेशन टेस्ट देने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, सो इट विल बी एडवाइजेबल फॉर यू ऑल दैट एज एंड व्हेन यू हैव अ टाइम व्हेन यू गो फॉर दिस राइटिंग पर्पस और एनीथिंग, राइट? अगर टाइम है तो एटलीस्ट 10 मिनट्स इस डिक्टेशन वर्ड के लिए निकालना, सिर्फ 5 वर्ड्स, राइट? रोज के 5 वर्ड्स एंड 10 मिनट्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो टूडे वी विल लर्न ए, ई एंड आई, तीनों यहां तक हमारा हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, राइट? तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।